मैंगो मैंने कट करके रख दिया था, अभी मैं बना रही हूँ मैंगो शेक ठंडा ठंडा। ये है हमारा मैंगो। जय गुरु जी, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती ब्यूटी ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसे हो। बज रही हैं 3 आफ्टरनून से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। लंच हमारा हो चुका है, लंच के मैंने बर्तन भी कर ली हैं। सी बर्तन हो गए हैं और अभी मैंने ना मंदिर के कपड़े भी धोए हैं। मंदिर भी क्लीन करने वाला हो रखा है, मंदिर कपड़े वॉश कर दिए हैं और इसमें मैंने अपने पोणों को भिगो के रख दिया है। मैं अपने ना पोणों को, टिश्यू को, जो भी आप बोलते हो, तो उसे मैं 2 दिन बाद वॉश कर ही लेती हूँ। 2 दिन के बाद मैं यूज़ नहीं कर पाती क्योंकि मुझे फिर गंदे गंदे से लगने लग जाते हैं। तो बस 2 दिन बाद मेरा है कि धोने लग जाती हूँ। मेरे बस पहले 4 पेयर थे, अब 2 और आ गए हैं नए, तो 6 पेयर हो गए हैं। 2 दिन ऐसे यूज़ कर करके धोते जाती हूँ। अभी इसमें 4 पेयर पड़े हैं, 2 मैंने अपने अभी सुखाने के लिए रखे हुए हैं, तो शाम तक सूख जाएंगे। और अभी मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। लंच तो हमारा हो चुका है बट अभी कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा था। वैसे तो कोल्ड ड्रिंक भी पड़ी है बट मेरे को ये है कि कोल्ड ड्रिंक हम शाम को पियेंगे, देखते हैं जैसे हस्बैंड आ जाएंगे। अभी मैंगो शेक बना लेते हैं, नन्नू भी पी लेगा, मैं भी पी लूँगी। अब ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा तो यही है, तो बना लेते हैं मैंगो शेक। और नन्नू भी बाहर आ गया, ये देखो मेरा से हाय हाय से हाय। मूडी इंसान है, मूडी इंसान। क्या चाहिए आपको? ब्लैक का कोल्ड ड्रिंक तब पियेंगे जब पापा आ जाएंगे, ब्लैक का कोल्ड ड्रिंक। और ये देखो धूप धूप दिख रही है, ये देखो किचन में सारी धूप आती है, गर्मी गजब की हो रही, गजब की। ये देखो पसीना, देखो आपको मेरे फेस से दिख रहा होगा, मतलब 5 मिनट हो गया मुझे किचन में आए हुए और 5 मिनट में ऐसी हालत हो गई है। कहाँ लेके चल दिए, कहाँ उठाई नहीं जा रही है, फिर भी पीनी है। अब बस बाहर पड़ी रहेगी तो ठंडी हो जाए, ठंडी कह रही गर्म हो जाएगी, फिर कहेगा मुझे तो ब्लैक का कोल्ड ड्रिंक मिल गया। शेक इज रेडी, ओपन डोर। बाप रे बाप, 1 मिनट में हालत ऐसे बन जाती है रूम की। अरे बाप रे, जल्दी से पियो फिर, जल्दी से। देखो गिरना नहीं, कहीं गिर दो आप। ऐसे पकड़ के पियो। कैसा बना है? अच्छा बना है। मालिश बोला है आपको मैंने? नहीं बोला। क्या बोला है फिर? ठीक कर दो। क्या ठीक कर दो? आपको क्या मेरे को ठीक करना है? पैर तोड़ना है। पैर तोड़ना है किसका? नहीं नहीं नहीं। फिर फोन तोड़ना है। किसका फोन तोड़ना है? आपका। क्यों तोड़ना है? मैं डॉक्टर को बुला लूं। डॉक्टर को बुला रहे? क्यों बुला रहे हो? कुछ आइस पे सुई लगानी है। मेरे को आइस पे सुई की लगानी है? दे दो। मैंने कब कहा मेरे को दर्द हो रहा है? आप पे ही? हाँ। अच्छा आपको बर्थडे गिफ्ट में क्या क्या मिला? अंडे। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। झूठा झूठा। इसको 1 मारो, मुझे 2 मिलते हैं। इसको बर्थडे गिफ्ट में ये मिला, फोटो फ्रेम, जो इसकी मासी लेकर आई है, जिसमें इसकी बहन की फोटो है और इसकी फोटो है, दिखाती बैक कैमरे से। और इसको मिला है फायर ट्रक। कहाँ है नन्नू का फायर ट्रक, जो इसकी काफी टाइम से डिमांड चल रही थी कि मुझे फायर ट्रक लेना है, फायर ट्रक लेना है। तो ये इसकी नानी ने दिया है और कैश दिया था इसकी नानी ने। इसकी मासी ने भी फोटो फ्रेम और कैश दिया है।
और इसकी दादी ने भी इसको सूट दिया जो इसने बर्थडे पे डाला था ना, वो इसकी दादी दादू की साइड से था। मेरे वाला ना थोड़ा सा बड़ा था तो वो नहीं डाला था, जो मम्मी ने लेकर आए थे वो वाला डाला था। वो भी हमने ना फर्स्ट क्राई से ही ऑर्डर किया था। और इसको जो हमने दिलाया था ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। बर्थडे वाला तो आपने देख ही लिया है, बाकी हमारा तो आप लोगों ने देख लिया था। हमने इसको दिया था पैंट शर्ट और पियानो, और मैं इसके लिए ना वो लेकर आई थी क्ले वाले बॉक्स लेकर आई थी। इसमें 5 क्ले मिली थी और 4 टूल्स थे जिससे ये अच्छे से बना लेता है। तो क्ले भी दिखाऊंगी अभी, नहीं तो किसी और ब्लॉग में दिखा दूंगी, बाहर पड़ा है, नहीं तो ये भी बोलेगा मेरे को खेलना है और सारा तहस नहस कर देगा। अभी जो हमने इसको दिया था ना बर्थडे पे, वेट रुक तो जा, सबको दिखाने तो दे, सब बताएंगे ना कौन सा अच्छा लग रहा था ज्यादा। हमने इसका ये रेड टी शर्ट वाला करा था जिसमें मैं दिखाता हूँ, ऐसे थोड़ा ना दिखाएंगे। ये इसकी शर्ट है कॉलर वाली और ये कुछ ऐसे दिखती है। मैंने वॉश करके रखी है, प्रेस करके नहीं रखी है, क्योंकि ना प्रेस करके रखो तो ये निकाल देते हैं भाई सब जी, तो प्रेस करने का फायदा नहीं है। और इस पे ये बटन्स है यहाँ पर आगे और ऐसे ना पॉकेट स्टाइल में बना हुआ पॉकेट है। हाँ ये पॉकेट है, छोटी छोटी ना दोनों साइड पे, ये देखो चेक्स वाला प्रिंट है इस पे। और पीछे ब्लू ऐसे प्लेन कपड़ा लगा रखा है और ये ना 4 to 5 ईयर बच्चे के लिए, तो मैंने 4 to 5 वाली मंगाई थी ये। ठीक है, अभी इसको इतनी प्रॉपर फिट नहीं है, थोड़ी सी लूज है ये, तो वो वाला इसको थोड़ा सा ठीक था, मतलब इससे बेटर था वो 3 से 4 साल के बच्चे का था जो हमने मम्मी के लिए ऑर्डर किया था ना, मम्मी ने इसके लिए ऑर्डर किया था, वो मैंने ही करा था वैसे तो। ये जो जीन्स है ये भी 4 से 5 साल के अकॉर्डिंग लिया मैंने, जिसमें बटन नहीं है, चैन नहीं है, बस डिजाइन बना हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो इलास्टिक है आगे पीछे ना, इलास्टिक है। और ये देखो ये इसने तोड़ दिया खींच के, आगे पॉकेट्स हैं 2 दे रखी हैं, पीछे भी 2 पॉकेट्स हैं। और लेंथ देख लो आप इसकी इतनी है, और ये ना इसको बहुत बड़ी है, मैंने ना इतनी फोल्ड करके इसको पहनाई थी। वैसे ही 4 से 5 साल की बच्ची की है लेकिन इसको पूरी नहीं आई है, चलो आधे साल आ जाएगी। और जींस इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होती है, और जो हम मिडिल क्लास है बहुत सोचते आगे तक का सोचते कि चलो इसको आगे आ जाएगी, आगे डाल लेगा, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं साइज़। और इसने एसी बंद कर दिया, फैन ऑन कर दिया, अब आवाज़ गड़गड़ आएगी, ये लड़का नहीं सुनता है बिल्कुल भी। तो कैसा लग रहा है ये वाला? ये दोनों ही मेरी पसंद के थे, ये वाला भी और वो वाला भी, दोनों में से ताना कौन सा अच्छा लग रहा था। ननू बार बार एसी ऑन ऑफ मत कर बेटा, इसकी लड़के की हरकतें चलती रहती हैं। तो ये है फोटो फ्रेम जो इसकी मासी ने बनवाया है, एक्चुअली उनकी ना शॉप है तो उसके हस्बैंड ने ही बनाया है। ये नन्नू है, ये मेरी बेटी है, तो दोनों शेफ बने हुए हैं। नन्नू भी शेफ है, इसकी बहना भी शेफ है, ये भी नन्नू है, ये इसकी बहन है। नन्नू कौन है? ये बहन, नन्नू की बहन है। नन्नू की बहन पास्ता बना रही है, नन्नू बना रहा है सब्जी, है ना? तो कैसा लगा आप लोगों को ये फ्रेम? ये देखो ये ना टेप के साथ तो पेस्ट कर रखा है, बेकोर कोई जगह दिखी नहीं तो मैंने इसको यहीं लगा दिया। उसके ऊपर ये एक वॉल स्टिकर लगा हुआ है, उसके ऊपर हमारी फोटोग्राफ है, नीचे नन्नू और नन्नू की बहना की, इधर भी फोटोग्राफ है। अच्छा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने कुछ अमेजोन से और मैंने अमेजोन से ये 3 रोल मंगाया है, जो 2 ये वॉल स्टिकर है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ खोलकर। ये वाला किसके लिए मंगाया ये मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में दिखाऊंगी, इसमें इंक्लूड नहीं कर रही क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो फिर स्पीड में आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा। तो ये ना एक वो है शीट है, ये वॉल शीट पे वॉल पे भी यूज कर सकते हो और आप किसी भी चीज पे यूज कर सकते हो। जिसके लिए मैंने मंगाया ना ये आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में अच्छे से पता चल जाएगा मंगाया है। तो इसको साइड रखते हैं, ये दोनों ओपन करते हैं और इनको पेस्ट करते हैं। ये एक तो मैंने ही मंगाया है किचन के लिए, अगर किचन में बच गया तो मैं ना इसको जहाँ मेरा मंदिर रखा हुआ है उसके साइड वाली बॉल पे यूज करूंगी। और एक मैंने ना मंगाया है, आप लोग
अराउंड ना ये मेरे को 100 रुपीज में वन पड़ा है, तो आपकी अगर वॉल ब्लैंक है और आप लोगों को उसको डेकोरेट करना है तो आप 100 रुपीज में अपनी वॉल को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। और ये 100 रुपीज में बहुत ही अच्छी चीज है, मैंने पहले भी ऊपर वाला लगाया ना, वो भी 100 रुपीज के आसपास आया था और काफी अच्छा था। वेट नन्नू वेट, बैठ जाओ पहले। तो ये तो है किचन के लिए जो कि मैंने मंगाया है, तो इसको अभी हम किचन में लगाते हैं, लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को। और दूसरे वाला जो मंगाया है वो नन्नू को बहुत पसंद आने वाला है, बहुत पसंद आने वाला है। वेट बेटा, एक सेकंड खुला है नहीं, वाओ, पहले इधर बैठो। तो ये वाला मैंने मंगाया है, हाइट चार्ट होता है ना, तो ये ना बच्चों का जो हाइट चार्ट होता है ना वो मैंने मंगाया है। नो वेट बेटा वेट, अरे यार मेरे लिए यार। ये देखो इसका कुछ लुक ऐसे आएगा, ये वाला। पहले मैं सोच रही थी इसको मैं यहाँ लगा दूं, बट ये कवर हो जाएगा, मैं सोच रही एसी के नीचे लगा दूं, अच्छा भी लगेगा और ये वाला भी, ये देखता भी रहेगा पिक्चर्स को। तो इसको ना हम पेस्ट करते हैं, ये मेरे को परेशान ना करे बस। तो चलो इसको पेस्ट करते हैं एसी के नीचे, एसी के नीचे अच्छा लगेगा है ना। वहाँ पर खाली बोल भी गया, देखो मैं आपको दिखाऊँ, पहले तो इसने पूरा रूम मेस करके, ये देखो एसी के नीचे लगाऊंगी ना तो अच्छा भी लगेगा। यहाँ पर जैसे कि गेट बंद हो जाएगा तो यहाँ पर कवर हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसको एसी के नीचे लगाते हैं और देखते हैं कैसा लगता है, और नन्नू को पसंद तो आया ही है ये देखो। सी गाइस, ये देखो ये हाइट चार्ट लग चुका है और कैसा लग रहा है, 180 तक था ये, बट ऊपर एसी है तो 170 तक ही आ पाया ये, 180 वाला मैंने छोड़ दिया। बाकी आप बताओ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ लुक वाइज कैसा लग रहा है, दूर से कुछ ऐसा लग रहा है ये, सी नन्नू भी यहाँ पर खड़ा हो चुका है ये देखो। तो फाइनली बड़ी मुद्दतों के बाद ये लग चुका है, पहले मैंने ऊपर लगा दिया था, ऊपर जाके फिर मेरे को लगा कि हाइट का तो फिर पता नहीं चलेगा, फिर मैंने उसको सारा सीकर उतार के नीचे लगाया है और लग गया है, और कोई पेंट वेंट भी खराब नहीं हुआ, आराम से लग गया। तो अभी जाते हैं किचन का लगाते हैं और देखती हैं कैसा लगता है, और इसको करने देते हैं मस्ती, पूरा रूम मैस कर दिया है, करता रहे मस्ती, कहीं बाहर नहीं जा सकता, घर के अंदर ही करेगा, चलते हैं बाहर। तो ये वाले बॉल स्टिकर को मैं यहाँ लगाने वाली हूँ क्योंकि ये थोड़ी खाली लगती है, बच्चे तो वहाँ पर भी लगाएंगे जहाँ पर मैं सोच रही हूँ, तो पहले इसको यहाँ पर लगा लेते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। बस इसमें मैंने 5 स्टिकर लगाए हैं, बाकी जो बचे हैं मैं उस वाले बॉल पे लगा रही हूँ, अगर इसमें ज़्यादा लगाऊंगी ना तो बहुत ओवर ना लगने लगे। तो बाकी बताओ कैसा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने स्टिकर लगा दिए 4 स्टिकर, बाय मिस्टेक वीडियो ऑन नहीं थी, कैमरा ऑन नहीं था, बंद कर दिया था नन्नू ने, बाकी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। नन्नू को तो पसंद नहीं आया यहाँ पर, आपको पसंद आया नहीं आया ये कमेंट करके बताना, और कैसा लग रहा है ये वाला स्टिकर यहाँ पर, और किचन में ये सही नहीं लगा, ये सही नहीं लगा, और यहाँ पर इसको कुछ सही नहीं लगा,
एक एक रह गया है, मतलब जार जो इस पे बने हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ एक यहीं पे लगा दूँ। नोनू दिखाना, क्या दिखाऊँ क्या दिखाऊँ, ये ला बच गया है, तो मैं इसको भी ना कहीं एडजस्ट करती हूँ। इधर तो नहीं लगाती, इधर लगा देती हूँ, है ना। यहाँ बीच में कैसा लगेगा, तो फाइनली दोनों स्टिकर लग चुके हैं, और जो ब्राउन वाला है ना वो नेक्स्ट वीडियो में देखना। बाकी ये दोनों स्टिकर बताओ आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, ये वाला और जो अंदर मैंने लगाया हाइट वाला, ठीक है। लिंक चाहिए तो बताना, कमेंट करना, और अगर लिंक चाहिए अगर आप लोगों को परचेज करना है, अगर परचेज करना है तो लिंक मैं डाल दूँगी। चलो अभी थोड़ा काम वाम कर लेते हैं, मैं कुछ भी कर लूँ, इसने पूरा घर खिंडा देना है। दोनों पिल्लो अभी अंदर पूरा रूम मैस कर दिया, और ये देखो पूरा फ्रिज खोल के खड़ा है, कुछ नहीं कह सकते। मुझे बर्तन भी छोड़ने, पहले मैं बर्तन छोड़ लूँ। ये बोतल है, उसका कहने का वो तो देखो ये बोतल है। आदि पापा को दिखा रहा है, ये देखो स्टिकर, ये देखो क्या देखो, इसका फ्रिज बंद नहीं हो रहा इस लड़के का, सुबह का खोल रखा है इस लड़के ने फ्रिज, कोल्ड ड्रिंक नहीं हो गई, पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है।